बाथरूम में देखो पहुंचते हैं ये तुम्हारी सीट पे ये कौन रख के चला गया। हाँ सही कहा तुमने। क्या ये तुम्हारा नया दोस्त है? कोस्टा तुम्हारे खरगोश का नाम क्या है? तुम उससे मिलवाओगे? नहीं कोस्टा हमसे नहीं मिलवाएगा, वो उसे छुपा के रखेगा ताकि हम उसे देख ना पाए। मुझे अकेला छोड़ दो, ये खरगोश मेरा नहीं है, मैं अब खिलौनों से नहीं खेलता हूँ, समझे ना तुम लोग। बिल्कुल कोस्टा, तुम्हारा खरगोश कितना प्यारा है, मुझे लगता है कि तुम उनके साथ रोज सोते हो, है ना? एक चिट्ठी है। हाँ दिखाओ मुझे क्या है। मैं बोर हो रही हूँ, मेरे साथ खेलो। कोस्टा इस तरह से बात मत करो, ये चिट्ठी तुम्हारी है, किसी ने तुम्हारे लिए लिखा है, वो बोर हो गया था इसलिए उसने जूली को लिख दिया। बस भी करो, ये खरगोश मेरा नहीं है और ना ही ये चिट्ठी मेरी है। कोस्टा तो फिर ये कहाँ से आया है? वैसे भी ये तुम्हारे डेस्क पे था। तो ये तुम्हारा है? अगर मुझे पता चला ये किसका है तो मैं उसे मार डालूंगा। चलो चलते हैं हम लोग। कोस्टा तुम बिल्कुल अच्छे नहीं हो। हाय मैं बोर हो गई हूँ। बिल्कुल खरगोश, मैं खेलूंगी तुम्हारे साथ। ये कोस्टा बहुत मतलबी है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। गिगी क्या तुम पागल हो? क्या तुम्हें भरोसा हो गया है कि ये चिट्ठी खरगोश ने लिखी है? नहीं जूली, ये बहुत मजेदार है। हम लोग क्लासरूम में आए, डेस्क के ऊपर एक चिट्ठी रखी थी और ये खरगोश रखा था, किसी ने तो लिखा होगा ना इसे। समझ गया गिगी, ज्यादा नहीं खेलना है गुड़ियों से। दोस्तों डायना का है क्या, वो आज स्कूल नहीं आएगी? वैसे नास्तिया भी आज गायब ही है। गिगी क्या उन्होंने तुम्हें मैसेज किया कि वो लेट आएंगे? नहीं जूली नहीं किया। वैसे दो दोस्त मछली पकड़ने गए हैं, ये वाला मछली पकड़ने वाला डंडा पकड़ के खड़ा है, मैं मछलियों को रंगने जा रही हूँ, पात्रिक कसरत कर रहा है। मोर्शिया ये मजाक की बात नहीं है। नहीं है, ये रहा अर्थियों, मछली पकड़ने वाले का डंडा पकड़ के खड़ा है, मछली पकड़ते हुए पात्रिक कसरत कर रहा है कुछ गाजर और ग्रिल्ड मीट के साथ। अर्थियों अपनी टूफ को देखो, देखकर ऐसा लगता है जैसे आंधी आई हो। दोस्तों तुम दुखी क्यों हो? हे तुम लोग कितने बोरिंग हो, क्या तुम पूरे दिन ऐसे ही दुखी रहने वाले हो? मुझे खुश क्यों होना चाहिए, मुझे बहुत बुरा सपना आया था। समझ गई, और तुम बताओ अर्थियों तुम्हारा क्या? मोर्शिया मुझे अकेला छोड़ दो, मैंने बुरा सपना देखा था, मुझे डर लग रहा है। दोस्तों क्या तुम सब मिली भगत करके बैठे हो? हमें एक गैंग है, हमें खुश रहना चाहिए और मजे करना चाहिए, लेकिन तुम लोग तो सब्जियों की तरह बर्ताव कर रहे हो। मोर्शिया बस भी करो, तुम भी किसी स्ट्रॉबेरी की तरह नहीं लग रही हो। हाँ वो बहुत मजे कर रही है लेकिन हम नहीं। ठीक है अपने सपने के बारे में बताओ, मुझे उम्मीद है कि तुम लोग हंसमुख हो जाओगे। मैंने एक लड़की को देखा, एक बहुत अच्छी लड़की, वो मुझसे पूछ रही थी खेलो मेरे साथ। हे मैंने भी एक लड़की को देखा, वो भी मेरे साथ खेलना चाहती थी। छोड़ो क्या हो गया है तुम्हें, कौन सी लड़की कौन सा खेल? देखो मुझे, मैंने ये रोड बनाई है, कैसी है ये? कुछ बोलोगे तुम लोग? ओ हाय कैसे हो तुम? डायना कुछ हो गया है, हम जब क्लासरूम में घुसे तो कोस्टा के डेस्क पे एक चिट्ठी पड़ी हुई थी और उस पे लिखा था कि मैं बहुत बोर हो रही हूँ, मुझे तुम लोगों के साथ खेलना है। और यही नहीं वहाँ एक खरगोश भी था। गिगी चिंता मत करो, ये शायद कोई मजाक कर रहे होंगे, टेंडी जैसे लोग ही कर सकते हैं। डायना मैं पोस्ट ऑफिस गई थी, देखो मैं वहाँ से पार्सल लेकर आई। कोस्टा के हाथों में क्या है? मुझे नहीं पता क्या है उसके हाथों में। एक पार्सल? क्या सीन है ये इसमें? लड़कियों सच बताऊं तो मुझे पता नहीं है। तो क्या है इसमें? लड़कियों असल में मुझे भी पता नहीं है कि इसमें क्या है, लेकिन जब मुझे मिला तो मैं हैरान थी। हाँ, चलो इसे खोलकर देखते हैं। हाँ चलो इसे खोलते हैं। वाओ! हे दोस्तों चलो हम भी चल के देखते हैं। डायना ये तोहफा तुम्हें किसने भेजा है? मुझे पता नहीं, मैं अपने गहने रख सकती हूँ इसमें और कुछ नहीं। डायना तुम्हें ये चीज क्यों चाहिए? मैंने बताया ना मैं इसमें अपने गहने रख सकती हूँ और क्या। मुझे पता नहीं कि ये तुम लोगों को पसंद आया या नहीं, लेकिन मुझे बहुत पसंद आया, ये बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है। वैसे डायना को मैंने कहा था इसे अपने पास रखने को। ठीक है बहुत बातें हो गई अब इसके बारे में, अब मुझे बताओ कि ये खबर कहाँ मिली तुम्हें? कौन सी खबर? आर्थियम ने अपने गले में लेस बांधना सीखा है। हाँ हाँ मैंने सीखा है। कौन है वो? मुझे नहीं पता। हेलो हेलो डीमा कौन है ये? डीमा हेलो क्या तुम हमें देख सकते हो? मुझे नहीं पता, कोई अनजान है शायद। डीमा मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, तुम्हें शायद कराटे सीख लेना चाहिए अब। हाँ क्योंकि तुम्हें आजकल हर चीजों से डर लगने लग गया है। नहीं दोस्तों ये बिल्कुल मजाक की बात नहीं है। एक खरगोश और एक चिट्ठी। चिट्ठी में लिखा था मैं बोर हो रहा हूँ खेलो मेरे साथ, और उसके बाद डीमा के पास कॉल आया कि मैं बोर हो रहा हूँ खेलो मेरे साथ, मुझे भरोसा है कि टेंजी वालों ने ऐसा किया होगा, चलो मेरे साथ। दोस्तों मैंने तय कर लिया है कि हम लोग टेंजी में जाएंगे और आज हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे, आज हम उन्हें जरूर मारेंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा टेंजी तुमने किस चीज का आयोजन किया वहाँ पर, क्या तुम ऐसे गेम खेलकर हमें डराना चाहती हो? तय कर लिया है कि तुम लोग इन चीजों से हमें डराओगे? मोर्शिया सच बताओ मुझे, तुमने ही डीमा को फोन करके बोला ना खेलो मेरे साथ, हाँ ऐसा ही कहा ना? टेंजी मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या तुम मुसीबत में फंसना चाहते हो? क्या तुम लोग पागल हो? इन्हें बुरे सपने आ रहे हैं, तुम लोगों को डर लग रहा है, मुझे इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। मोर्शिया बहाने बनाना बंद करो, तुमने ही किया है ये सब, मुझे पता है तुम लोगों से मैं थक चुकी हूँ, इन लोगों को सपने आ रहे हैं, लड़की बोल रही है मैं बोर हो रही हूँ, तुम लोग यहाँ खरगोश लेकर आए हो। मैंने देखा है उसे।
पात्रिक क्या देखा है तुमने? मैंने ये खरगोश अपने सपने में देखा था। हाँ, मैंने भी देखा था। मुझे भी बताओ पात्रिक, तुमने क्या देखा है वहाँ? मैंने एक सपना देखा था जिसमें एक लड़की थी, उसने मुझसे कहा खेलो मेरे साथ। मैंने भी उसे वहाँ देखा था और एक वहाँ खरगोश था। ये किसी भूतिया लड़की का खरगोश हो सकता है। ये कितना डरावना है कोस्टिया, क्या होगा अगर ये भूतिया लड़की मेरे पीछे पड़ गई तो? डीमा बस भी करो तुम। टेनजी मैं समझ रही हूँ, अपने भूत खरगोश और चिट्ठी से तुम लोग खुद ही निपटो, हमें मत इसमें इन्वॉल्व करो। हाँ चलो चलते हैं। हाय, मैं बोर हो रही हूँ, मेरे साथ खेलो। ये कुछ भी नहीं है, एक चिट्ठी है। मोर्शिया फेंक दो इसे, ये किसी भूत का है। हाँ फेंको उसे। मुझे भरोसा नहीं हो रहा टेनजी पे, मुझे पूरा भरोसा है कि ये काम उन्होंने ही किया है। कोस्टिया मुझे डर लग रहा है, क्या तुम मेरे साथ बाथरूम चलोगे? नहीं डीमा मैं नहीं जाऊँगा। आर्थियम क्या तुम मेरे साथ चलोगे? डीमा मैं तुम्हारे साथ बाथरूम नहीं जाऊँगा। तुम लोग बहुत बुरे दोस्त हो। नास्त्या क्या तुमने हमारे बहादुर डीमा को देखा? वो अकेला बाथरूम भी नहीं जा सकता। हाँ बिल्कुल, उसे इस अंधविश्वास पे भरोसा है। डीमा तुम डरो मत, तुम्हारे पीछे कोई भी भूत नहीं है, तुम्हें कोई डरा ही नहीं सकता है, तुम बिल्कुल ठीक हो। खेलो मेरे साथ डीमा। डीमा क्या हुआ? बाथरूम में कोई है। डीमा क्या तुम बता सकते हो तुमने बाथरूम में क्या देखा है? वहां अंदर एक भूत है। भूत है? बस बहुत हो गया, अब मैं थक चुकी हूँ। अब मैं अपनी मम्मी से कहने वाली हूँ कि मैं अपना क्लास चेंज करवाने वाली हूँ। पहले तो चिट्ठी मिली, फिर खरगोश, और अब तो भूत भी मिल रहे हैं यहाँ पर। हमें भूत के साथ खेलना चाहिए, हमें पहले उसे अपने जाल में फंसाना होगा। मैं नहीं कहने वाली हूँ कि ये भूत है, हम भूत के शिकारी नहीं है, समझे क्या? डायना मुझे डर लग रहा है, जाओ खेलो भूत के साथ, मैं चाहता हूँ वो मुझे छोड़ दे। डीमा नहीं, मैं नहीं खेलूंगी भूत के साथ, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, चिंता मत करो। हे वो देखो, बहुत हो गया, मेरी बात सुनो। इस स्कूल के आसपास घूमना बंद करो, अब मैं थक चुकी हूँ, समझ गई? डायना वो देखो फिर से आ गई। डीमा क्या तुम डरपोक हो? खेलो मेरे साथ। नाइट गाउन वाली लड़की मेरे पास भी मत आना। इसकी फैंसी नाइट गाउन को देखकर ऐसा लगता है कि ये 100 साल से भी ज्यादा बूढ़ी है। क्या वो अपने चेहरे को भी साफ करती है? उसके आँख कितने गंदे हैं। चुनी वो गंदे नहीं है, ये काले धब्बे हैं, ये सिर्फ भूत के ही पास होते हैं। भूतिया लड़की मैंने तुम्हें सपने में देखा था, पात्रिक वो तुम्हारे लिए आई है। भूतिया लड़की अपना खरगोश मुझे दे दो, वो कितना प्यारा है, मुझे बहुत पसंद है वो। खेलो मेरे साथ। दोस्तों मुझे यहाँ कुछ मिला है, जल्दी आओ। क्या है? मुझे भी दिखाओ, जल्दी करो, वो आ रही है, जल्दी करो। इसमें लिखा है कि ये उस पार्सल से निकली है और हमें इसको उसी में डालना पड़ेगा। कैसे? क्या है ये? पढ़ते हैं और भूतिया लड़की को पकड़ने के लिए हमें चेस्ट करना चाहिए, समझ गए दोस्तों? हाँ मेरे पास है वो चेस्ट और उसे मैंने आज ही पोस्ट ऑफिस से लेकर आई हूँ। नास्त्या रुको, बस इतना ही नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है कि हमें उसका खिलौना उसके ऊपर रखना होगा और गोल बनाकर बैठना होगा और बोलना होगा भूतिया लड़की चले जाओ, अपना खिलौना लेकर चले जाओ। जल्दी करो। हाँ चलो शुरू करते हैं, बस खिलौना वहाँ है और हम शुरू करते हैं। चलो अपनी पूरी कोशिश करते हैं उस भूतिया लड़की को इस चेस्ट में बंद करने की, चलो शुरू करते हैं। भूतिया लड़की तुम चली जाओ, आओ अपने खिलौने लो और यहाँ से चली जाओ। भूतिया लड़की तुम चली जाओ, आओ अपने खिलौने लो और यहाँ से चली जाओ। भूतिया लड़की तुम चली जाओ, आओ अपने खिलौने लो और तुम यहाँ से चली जाओ। भूतिया लड़की तुम चली जाओ, अपने खिलौने लो और जाओ। जी माँ ये चेस्ट तुम्हारे लिए है, इसे रख लो। पात्रिक तुम लो इसे, तुम खेलो मेरे साथ। दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें, तब तक के लिए बाय बाय बाय। चलो अब चलते हैं, घंटी बजाते हैं। नाइट गाउन वाली लड़की यहाँ आने की कोशिश मत करना। क्या वो अपने चेहरे को साफ भी करती है? तुम्हें ऐसा लगता है? उसकी आंखें देखो कितनी गंदी है, जैसे बरसों से साफ ना किया हो। जूली वो गंदा नहीं है, वो काला धब्बा है जो कि सिर्फ भूतों के पास होता है। भूतिया लड़की मैंने तुम्हें सपने में देखा था। चलो अपनी पूरी कोशिश करते हैं और भूतिया लड़की को यहाँ पे चेस्ट में बंद करते हैं। चलो शुरू करते हैं हम लोग। भूतिया लड़की चले जाओ। नाइट गाउन वाली लड़की
यहाँ आने की कोशिश मत करना। क्या वो अपने चेहरे को साफ भी करती है? तुम्हें ऐसा लगता है? उसकी आंखें देखो कितनी गंदी है, जैसे बरसों से साफ ना किया हो। ये क्या है?